सोफिस्टिकेटेड, कंफर्टेबल, केपेबल एंड स्पेशियस, यही है आज की कार। वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रोहित, आपके सामने आज लेके आ रहा हूं दी ऑल न्यू जीप मेरिडियन। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कार किसके लिए है, तो मैं बता देता हूं, ये कार जो है ना एक XUV 700 और फॉर्च्यूनर, तो उसके बीच का जो गैप फिल करने वाली यही कार है। बहुत ही बढ़िया कार, बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आप इसका फ्रंट का लुक देख सकते हो, ये जो ग्रिल है ना बहुत ही अल्टीमेट सी 7 स्लॉटेड ग्रिल मिल जाती है और आपको ग्रैंड चिरो की जैसी दिखने वाली है। ये जो फ्रंट का ग्रिल बहुत ही सुपर है, यहाँ पे ऊपर पूरा क्रोम डिज़ाइन एलिमेंट्स दिया गया है और यहाँ पे आपको नीचे डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं क्रोम के, तो बीच में पूरा ब्लैक ग्लॉसी फिनिश बहुत ही सुपर अल्टीमेट दिख रहा है। जीप की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको, वो भी पूरी क्रोम में बहुत ही अल्टीमेट दिखती है। क्रोम बहुत कुछ ऐड किया गया है फ्रंट लुक में भी, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी ऊपर आपको अच्छा क्रोम दिया गया है, यहाँ पे भी नीचे दिया गया है क्रोम, और अगर नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये भी फुल क्रोम डिज़ाइन एलिमेंट ऐड ऑन किए गए हैं। और इसका जो बम्पर है, बम्पर के लुक के ऊपर भी आपको पूरा क्रोम मिलता है, तो क्रोम के डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस कार के ऊपर, बहुत ज़्यादा ग्रैंड सी कार लगने लग गई है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको मेन फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा दिख जाएगा, तो इसके अंदर आपको 4 कैमराज मिलते हैं और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। अब आपको मेरिडियन का साइड का लुक दिखा देते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका जो व्हील बेस देखते हो ना, लॉन्गेस्ट व्हील बेस है इन दिस सेगमेंट, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। साइड में आपको मेरिडियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और द मेन शो है वो है ये अलॉय व्हील्स का, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसके अंदर। टायर साइज़ की बात की जाए तो इट इज़ 235/55 R18 के टायर साइज़ मिल जाते हैं, बहुत ही अल्टीमेट दिख रही है साइड से। आप देख सकते हो कितना बड़ा फ्यूल लिड का कैप दिया गया है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप डीजल एंड एड ब्लू दोनों मिल जाएगा। ये इसका आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाता है विद साइट एंड LED इंडिकेटर्स, और नीचे यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा दिख जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो पूरा क्रोम का डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, वो भी सुपर दिखता है। और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पूरी क्रोम की बेल्ट लाइन दी गई है जो कि कार के एंड तक जाती है, तो ये भी जो लुक है बहुत अच्छी तरह से बरकरार रहे। इसका जो ए पिलर है आपको पूरा ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है ग्लॉस का, बी पिलर भी सेम आपको ग्लॉस फिनिश में मिलने वाला है, सी पिलर भी, और अगर आप ऊपर देखते हो तो आपको डुअल टोन में दी गई है पूरी तरह से ये कार। और इसके जो रूफ रेल्स है उसके ऊपर भी आपको पूरा क्रोम का डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, तो क्रोम का जो एलिमेंट्स है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐड ऑन किए गए हैं इस कार के ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवर क्रोम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। और ये ट्रू टिपिकल जीप स्टाइल के अगर आप देखते हो ना, स्क्वेयरिश आपको व्हील आर्चेस मिल जाते हैं विथ ब्लैक कलर की क्लैडिंग, तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि ये जीपी है अगर साइड से अगर आप देखते हो तो, नो डाउट्स इन दैट। और नीचे भी अगर आप देखते हो तो इधर भी आपको नीचे क्रोम में जो डिज़ाइन एलिमेंट ऐड ऑन किया गया है, बहुत ही अल्टीमेट सा लग रहा है ये दोस्तों। अब आप इस कार का रेयर का लुक देख सकते हो, रेयर से भी बहुत ही बढ़िया लग रही है कार। जीप की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, और ये पूरा जो क्रोम एलिमेंट है बहुत ही सुपर दिख रहा है, बहुत ही सुपर बेल्ट लाइन दिया गया है इसका। और ये अल्टीमेट सी लुकिंग टेल लैंप्स, पूरी स्ट्रेट टेल लैंप्स मिलती है पर पूरी LED की है, बहुत ही अल्टीमेट है। हाई स्टॉप लैंप, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों चीज़ें मिल जाएगी आपको। ऊपर अगर आप देखते हो तो आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, लिमिटेड की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, और बाकी पूरी इस तरह से पूरी प्लेन है, बहुत ही नीट एंड नाइस दिखती है। कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर। बाकी अगर आप बम्पर देखते हो तो पूरा ब्लैक कलर का बम्पर दिया गया है, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, और ये पूरा क्रोम डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं 4, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको स्किड प्लेट्स दिए गए हैं, वो भी सिल्वर कलर में, बहुत ही अल्टीमेट दिख रहा है ये। अब आपको इसका कन्वीनियंट टेल गेट ओपनर दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले अगर आप इसको ओपन करते हो, एक बटन दिया गया है, आप इसको ओपन कर सकते हो। अभी अगर आप ओपन करोगे ना, देखो पूरा ऊपर तक जाता है, अगर आपको हाइट ज़्यादा लगती है ये ओपन करने के लिए मुश्किल पड़ता है ना, तो आप इसको कितना ओपन करना है उतना रख दीजिए, समझो अगर इतना ही ओपन करना है आपको, इतना यहाँ पे रख दिया। एक बटन दिया गया है यहाँ पे, इसको आप 3 सेकंड दबा के रखिएगा, 3 सेकंड जैसे ही आप दबा के रखोगे तो एक आवाज़ आती है। अब ये इतना ही रहेगा, अब मैं बंद कर दूंगा इस टेल गेट को। अब देखिए अब इतना बंद हो चुका है ये। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं खोलूंगा ना तो उतना ही खोलेगा, पूरा ऊपर नहीं जाएगा। आपकी हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अब ये देखिए, अब ये इतना ही ओपन हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है आपको इस कार के अंदर। बाकी अब आप इसका बूट स्पेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी मिल जाता है पूरी 7 सीट्स अप होने के बाद में भी। 2 एयरबैग्स इसके अंदर आप छोटे एयरबैग्स आराम से रख सकते हो, बूट लाइट भी दिया गया है, ग्रॉसरी हुक भी दिया गया है इसके अंदर। अब हम लोग इसके पैसेंजर साइड में आ चुके हैं, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जैसे कि आपको मेन साइड में मिलता है ड्राइवर साइड में।
बाकी अगर आप इसकी बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, वो मैं पहले बोलना भूल गया, इसके अंदर आपको 231 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है अगर पूरे 7 सीट्स अप है। वो पीछे की अगर आप सीट्स अगर बंद कर देते हो तो 661 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। तो बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस भी मिल जाता है इस कार के अंदर आपको। आप इसका पूरा डोर पैनल देख सकते हो, डुअल टोन में डोर पैनल दिया गया है ब्लैक एंड ब्राउन कलर का। यहाँ पे आपको इसके मेमोरी सीट फंक्शंस मिल जाते हैं, डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है, फोटो पावर विंडोज, लॉक अनलॉक स्विच, ORVM के कंट्रोल्स, सामान रखने के लिए जगह दी गई है और आपका बॉटल होल्डर आप रख सकते हो। और इसके अंदर आपको 9 स्पीकर सिस्टम एल्पाइन का मिल जाता है। आपको इस कार का सीट कंफर्ट के बारे में बोल देता हूँ, बहुत ही अच्छी बढ़िया लेदर कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है, काफ़ी अच्छी सपोर्टिंग सीट्स है। साथ ही साथ क्योंकि ये ऑप्शनल वेरिएंट है, लिमिटेड ऑप्शनल, इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो ब्राउन कलर में सीट्स बहुत ही सुपर दिखती है एंड कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप इसका सेंट्रल कंसोल भी देखते हो, इसके अंदर भी आपको पूरा जो लेदर फिनिश है वो मिल जाता है और यहाँ पे भी डैशबोर्ड पे भी पूरा लेदर फिनिश। तो लेदर फिनिश एंड दैट कम्फर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से एड ऑन किया गया है इस कार के अंदर। ये आपका आर्मरेस्ट भी पूरा लेदर फिनिश में है, इसके अंदर भी बहुत सारी जगह दी गई है, स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छी है, इसके अंदर डीप आर्मरेस्ट मिल जाता है। तो या बहुत ही बढ़िया कार है यार दोस्तों। ये लिमिटेड ऑप्शन में आपकी जो पैसेंजर सीट है ना, वो भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। अब आप इस कार का इंटीरियर देख सकते हो, इसके अंदर आपको ब्लैक एंड एम्पेराडो ब्राउन पूरा इंटीरियर मिल जाता है, बहुत ही सुपर डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है। पूरा आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। मेन इसके अंदर आपको 10.1 इंचेस का बड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन सब कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। और एसी वेंट्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्लीक तरीके से दिए गए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही अच्छा है, पूरा क्रोम डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है। तो एसी बहुत ही ज़्यादा स्लीक दिए गए हैं इसके वेंट्स। अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको ब्लैक कलर का डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मतलब अगर आप देखते हो ना दूर से, बहुत ही ज़्यादा रिच कैबिन लगने वाली है इस कार की। मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको इसके अंदर, फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, एंड यू गेट योर USB एंड टाइप सी पोर्ट्स हियर। जो आपको हैंड ब्रेक है वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलने वाला है, 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा, कप होल्डर्स दिए गए हैं, फ़ोन होल्डर भी आप आपका फ़ोन आराम से रख सकते हो। अब आप इसका मेन स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो, बहुत ही अल्टीमेट सा लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है विद ब्राउन स्टिचिंग, बहुत ही सुपर्ब दिखता है। जीप की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको, एयरबैग इसके अंदर अब आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो इसके अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि बहुत ही अल्टीमेट सा दिखता है। तो ये कार जो अंदर से बनाई गई है बहुत ही सुपर्ब एंड नीट एंड नाइस। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑटोक्रोमेटिक IRVM मिल जाता है, लाइट्स दी गई है यहाँ पे, तो हैलोजन लाइट्स है बट देन ओके। इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर विथ लाइट्स मिल जाएगा, सेम हियर एज वेल। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको सनरूफ भी मिल जाता है, तो सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं और बूट ओपनर का बटन यहाँ पे भी दिया गया है, तो यहाँ से आप बूट भी ओपन कर सकते हो और सनरूफ भी। अब आपको इसका ग्लव बॉक्स दिखा देते हैं, सॉफ्ट ओपनिंग ग्लव बॉक्स मिल जाता है लाइट्स के साथ में, काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स दिया गया है, बहुत सारे सामान ईजिली आ जाएंगे इसके अंदर, नो डाउट्स इन दैट। अब इस कार के सेकेंड रो में आके बैठ चुका हूँ मैं। अगर आप इसकी साइज की बात करते हो सेकेंड रो की, 3 लोग बड़े ही आराम से बैठने वाले हैं। हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको, नी रूम भी अच्छा मिलता है, लेग रूम भी बहुत अच्छा मिलता है। ड्राइवर सीट मैंने एज पर माई हाइट ऑफ 5'10" एडजस्ट की है, उससे भी थोड़ी ज़्यादा पीछे ही ली आराम से, तो आप बहुत ही आराम से बैठने वाले हो इसके अंदर, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आने वाला है। नी रूम लेग रूम तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है और 3 लोग बहुत ही आराम से बैठने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक और अच्छी बड़ी चीज़ जो मिलती है वो है ये, आप देख सकते हो आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिल जाता है। अगर 2 लोग को बैठना है तो 2 लोग को बैठा दीजिए, 3 लोग को बैठना है 3 लोग भी बैठ सकते हैं इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट अगर आप इसका ये देखते हो, एसी वेंट्स दे आर रियली गुड नाइस, और USB सॉकेट मिल जाता है और नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। अब इसमें एक और बढ़िया चीज़ जो मिलती है आपको, वन टच टंबल सीट्स मिल जाती है। यहाँ पे इसका कंट्रोलर दिया गया है, इसको आप दबा के वन टच टंबल कर सकते हो। अब इसके अंदर जाके बैठ के दिखाता हूँ आपको स्पेस कैसी दिखती है। अब इस कार के लास्ट रो में आके बैठ चुका हूँ मैं। हाँ, तो ये बच्चों के लिए यार दोस्तों, नो डाउट्स इन दैट। बड़े जो जिनकी हाइट कम होगी वो बैठ सकते हैं, बाकी क्योंकि क्या है कि प्रीमियम कार्स में एक मेरे को शिकायत लगती है कि क्या है कि मतलब जो भी अगर आप देखते हो प्रीमियम कार्स, उनकी जो सीटिंग जो लास्ट रो की सीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे होती है, आप देख सकते हो ज़्यादा हाइट नहीं है। तो अगर आप बैठोगे, मेरे जैसे कोई बंदा लंबा बंदा बैठता है तो एकदम चेस्ट अप, जो लेग्स जो होते हैं ना एकदम चेस्ट के ओर होते हैं और एकदम हाई ऐसे बैठना पड़ता है। दी सीट्स आर गुड फॉर द चिल्ड्रंस, उनके हिसाब से ही अच्छी तरह से बनाया गया है पर कंफर्टेबल है, नो डाउट्स इन दैट। आपको अच्छा रिक्लाइन एंगल मिल जाता है, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, कप होल्डर मिल जाते हैं आपको, आपके कुछ अगर बॉटल वगैरह कुछ रखना है तो उसके लिए भी जगह दी गई है इसके अंदर।
या दैट इज़ व्हाट इट इज़। और एक और अच्छी जो चीज़ मिलती है यहाँ पे, आप इसको यहीं से आप अपनी सीट को एज़ पर योर कन्वीनियंस इसको एडजस्ट कर सकते हो। बट देन या अच्छा है यार, नो डाउट्स इन दैट। स्पेस के हिसाब से तो सही है, बट यही लगा कि मुझे ये जो सीट है थोड़ी नीची है, थोड़ी अगर ऊपर हाइट में होती तो शायद आप अच्छी तरीके से बैठ सकते थे। बट देन अगर वो करने जाते तो फिर यहाँ पे आपको सिर टच होता था, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो जगह निकाल के दे रहे, 7 सीटर बना के दे रहे, वो बड़ी बात है। बच्चे आराम से बैठेंगे इसके अंदर। अब आप इसका इंजन बे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वेल पुट आउट इंजन बे मिल जाता है आपको, इंसुलेशन के साथ में मिल जाता है। और ये वही इंजन है 2 लीटर डीजल जो कि फीएट सोर्सड है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन दिस सेगमेंट टुडे। आपको 170 HP की पावर भी दे देता है, एंड द सेम इंजन इज़ ऑन द लाइट्स ऑफ हेक्टर, हैरियर, सफारी। तो वही इंजन है, कोई आप इस इंजन के साथ में कभी आप मतलब रॉन्ग नहीं होने वाले हो, बहुत ही बढ़िया इंजन है ये। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको ये क्विक वॉक अराउंड वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द बैंगलोर ऑडियंस। अगर आपको कार देखनी है, खरीदनी है, यू कैन डेफिनेटली कम डाउन टू KHT प्राइम। उनका एड्रेस, डिटेल्स एंड ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट किए, आइए, देखिए, बुक कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल। पीस, बाय। जय हिंद, जय भारत।